हेलो, सुनते ही कट कर दिया उसने मेरा फोन। सभी ने देखा कि कालिक लगी हुई है मुझे। तेरे संसार से तंग आ गए हैं। अक्सर ऐसा होता है, औरतें कहाँ कहाँ मोहब्बत ढूंढ लेती हैं। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। मोहब्बत करो थोड़ी शायस्तगी से करो, मोहब्बत करो थोड़े खास अंदाज से करो, मोहब्बत करो तो वैसी करो जैसे जुबैर अली ताबिश करता है। आओ भाई जुबैर अली ताबिश जोरदार तालियों के साथ। निकल कर मुझसे मुझको हर तरफ से घेरता है वो। अच्छा, निकल कर मुझसे। निकल कर मुझसे मुझको हर तरफ से घेरता है वो, कि मैं मरकज हूं उसका। मरकज केंद्र सेंटर। कि मैं मरकज हूं उसका और मेरा दायरा है वो। वाह वाह क्या बात है। मैं अपने जिस्मो जां में बस उसे महसूस करता हूं। मैं अपने जिस्मो जां में बस उसे महसूस करता हूं। मुझे तो शक है अपने आप पर, ये मैं हूं या है वो। वाह 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 बहुत बढ़िया। वाह 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 बहुत अच्छे जुबैर, बहुत बढ़िया। ये हेलो सुनते ही, हेलो सुनते ही कट कर दिया है उसने मेरा फोन। हेलो सुनते ही कट कर दिया उसने मेरा फोन। के हेलो सुनते ही कट कर दिया है उसने मेरा फोन। खुदा का शुक्र है आवाज तो पहचानता है वो। हाय 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 क्या बात है जुबैर, बहुत बढ़िया। वाह बहुत शुक्रिया। एक गजल के कुछ शेर देखिए। हाँ जुबैर। के उन यारों की यारी यारी होती है। उन यारों की यारी यारी होती है। उन यारों की यारी यारी होती है जिन यारों में बात तुम्हारी होती है। हाय बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। उन यारों की यारी यारी होती है जिन यारों में बात तुम्हारी होती है। जिन यारों में बात तुम्हारी होती है। और बिजली को भी तब ही आना होता है जब मेरी छुपने की बारी होती है। क्या बात है, वाह बहुत बढ़िया। आग लगाता है लकड़ी का सूखापन। आग लगाता है लकड़ी का सूखापन। आग लगाता है लकड़ी का सूखापन वरना इतनी सी चिंगारी होती क्या है। क्या बात है, अरे वाह बहुत बढ़िया बात है। वाह 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 जुबैर, वाह वाह वाह। और दूसरा मौका सबको मिलता है ताबिश। दूसरा मौका सबको मिलता है ताबिश। दूसरा मौका सबको मिलता है ताबिश पहली बाजी सबने हारी होती है। क्या बात है, वाह बहुत शुक्रिया। एक गजल के और कुछ शेर देखिए। कि ये नहीं बस दुआ करूंगा मैं। ये नहीं बस दुआ करूंगा मैं, कुछ तो आमीन सा करूंगा मैं। पर एक दो अश्क मुझ पे काफी थे। एक दो अश्क मुझ पे काफी थे, इतनी बारिश का क्या करूंगा मैं। हाय क्या बात है, वाह 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 वाह। पहले देखूंगा आसमां की तरफ। पहले देखूंगा आसमां की तरफ। पहले देखूंगा आसमां की तरफ फिर परिंदे रिहा करूंगा मैं। हाय अरे वाह 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 वाह। रब ना निकलूंगा तेरी बाहों से। अब ना निकलूंगा तेरी बाहों से। अब ना निकलूंगा तेरी बाहों से, अपनी हद में रहा करूंगा मैं। क्या बात है, वाह बहुत शुक्रिया। सभी ने देखा कि कालिक लगी हुई है मुझे। सभी ने देखा कि कालिक लगी हुई है मुझे। सभी ने देखा कि कालिक लगी हुई है मुझे, दिए जलाने की अच्छी सजा मिली है मुझे। अरे वाह 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 जुबैर, वाह वाह बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। मेरे नसीब में लिखे हैं जानलेवा दुख। मेरे नसीब में लिखे हैं जानलेवा दुख, मगर मैं जिंदा हूं इस बात की खुशी है मुझे। अरे वाह 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 बहुत
बढ़िया। किसी ने नब्ज पकड़ ली थी मेरी। किसी ने नब्ज पकड़ ली थी मेरी, जानते हो? किसी ने नब्ज पकड़ ली थी मेरी, जानते हो? बता रहा था तुम्हारी बहुत कमी है मुझे। क्या बात है, वाह। अभी तो तूने फकत बात की है जाने की। अभी तो तूने फकत बात की है जाने की, मगर अभी से तेरी याद आ रही है मुझे। अरे वाह वाह वाह, अरे बहुत बढ़िया, क्या बात है। अभी तो तूने फकत बात की है जाने की, और अभी से, मगर अभी से तेरी याद आ रही है मुझे। मैं जिस नजर से तेरी राह देखता था कभी, अब उस नजर से तेरी राह देखती है मुझे। क्या बात है, वाह वाह जुबेर वाह। और बस अपना नाम यहाँ दर्ज करने आया था, बस अपना नाम यहाँ दर्ज करने आया था, तो अब चलूँ मैं, बहुत देर हो गई है मुझे। अरे वाह 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 वाह, भाई कमाल के लोग हैं। इश्क की लालटेन में भी इतने ही प्रसन्न थे, और जिस नजर से राह तुम्हें देख रही थी उसमें भी इतने ही प्रसन्न है। भाई कमाल हो आप लोग, मतलब ये सारे लोग जो हैं दिल से बड़ी इनकी तबीयत जो है वो इश्किया है, मोहब्बत करते हैं ये लोग, और जब मोहब्बत की कोई बात होती है तो इनके जो विचार हैं वो इसी तरह से प्रकट होते हैं। हम बुलाते हैं उन्हें जिनके शेर कमाल करते हैं, अंजुम रहमत। ना तो मैं शेर सुनाऊंगी, ना मैं शायरी सुनाऊंगी, ना शायरी सुनाऊंगी, मैं सीधे सीधे गजल सुनाऊंगी। दिल का जो दुश्मन है दिल में धड़कता, दिल का जो दुश्मन है दिल में धड़कता, दिल का जो दुश्मन है दिल में धड़कता है। टूट चुका कंगन फिर भी खनकता है, टूट चुका कंगन फिर भी खनकता है। अब शेर सुनना। नाम मेरा लेकर छेड़ते हैं उसको, नाम मेरा लेकर छेड़ते हैं उसको, क्यों मेरा दीवाना सबको खटकता है, क्यों मेरा दीवाना सबको खटकता है। अब शेर सुनाती हूँ, मुकम्मल सुनोगे तो मजा आएगा। क्यों मेरा दीवाना सबको खटकता है, मैं ही नहीं पागल उसकी जुदाई, मैं ही नहीं पागल उसकी जुदाई में। सुनती हूँ रातों को वो भी भटकता है, सुनती हूँ रातों को वो भी भटकता है। क्या बात है, प्यार की खुशबू में दोनों नहाए, प्यार की खुशबू में दोनों नहाए हैं। मैं भी महकती हूँ, वो भी महकता है, महकता है। मैं भी महकती हूँ, वो भी महकता है। हम तो समंदर हैं, रहते हैं चुपवन। क्या बात है, हम तो जितना जो खाली है उतना छलकता है, जितना जो खाली है उतना छलकता है, छलकता है। 14-15 साल की लड़की है, बहुत सारी नजर भी आ रही है, इश्क की इब्तिदा है। एक सांवली सी लड़की, एक बावली सी लड़की, एक सांवली सी लड़की, एक बावली सी लड़की। कच्ची है उम्र जिसकी, कुछ दिन से जाने किसकी, चाहत में खो गई है, दीवानी हो गई है। एक सांवली सी लड़की, एक बावली सी लड़की। अब ये लड़की में तब्दीलियां क्या क्या आती हैं, क्या जाने ख्वाब किसका आंखों में है संभाले,
कुछ सोचती है शब भर मुंह पर लिहाफ डाले, कुछ सोचती है शब भर मुंह पर लिहाफ डाले, घर वाले सोचते हैं जल्दी से सो गई है। एक सांवली सी लड़की, एक सांवली सी लड़की, एक बावली सी लड़की। ये बन देखिएगा, अक्सर ऐसा होता है, सुध बुध है उसको खुद की, सुध बुध नहीं है घर की। क्या बात, सुध बुध है उसको खुद की, सुध बुध नहीं है घर की, सुध बुध नहीं है घर की। हर दिन बदल रही है कुर्ती नए कलर की। क्या बात है, आए हाय, हर दिन बदल रही है कुर्ती नए कलर की। बेरंग ओढ़नी भी रंगीन हो गई। क्या बात है, आए हाय, एक सांवली सी लड़की, वाह वाह, एक बावली सी लड़की। क्या बात है, आए हाय हाय। और ये बन देखें, महसूस करना, और सारी दुनिया सुनेगी वो भी महसूस करे। खिड़की से झांकती है माँ से नजर बचा कर, आए, आए। खिड़की से झांकती है माँ से नजर बचा, माँ से नजर बचा कर, बेचैन हो रही है क्यों घर की छत पे जाकर, बेचैन हो रही है क्यों घर की छत पे जाकर, क्या ढूंढती है जाने क्या चीज खो गई है। वाह वाह, एक सावली सी लड़की, एक बावली सी लड़की, एक बावली सी लड़की। और आखिर बंद और सुना देती हूँ जी, नानी से अब कहानी सुनती कभी नहीं है, हाय हाय। नानी से अब कहानी सुनती कभी नहीं है, गुड़ियों से तितलियों से अब दोस्ती नहीं है, गुड़ियों से तितलियों से अब दोस्ती नहीं है। नाजुक कली भी अर्जुन गुलनार हो गई है, है। एक सावली सी लड़की, क्या बात है, एक बावली सी लड़की। कच्ची है उम्र जिसकी, कुछ दिन से जाने किसकी, चाहत में खो गई है दीवानी हो गई है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है। मेरी बड़ी बहन अंजुम रहबर, क्या खूबसूरत पढ़ाया आपने। ये देखिए, ये इश्क करने वाले लोग खड़े हो गए, जोरदार तालियां अंजुम रहबर जी के लिए, क्या बात है। अब बारी है उनकी, जो अपने कलाम से तो मशहूर है ही, अपने अंदाज से भी मशहूर है। तो आइए उस खास अंदाज के शायर को बुलाते हैं जिनके बड़े खूबसूरत हैं बाल। अजहर इकबाल, जोरदार तालियां स्वागत कीजिए। शेर समाप्त करें कि इरशाद, अपनी मर्यादाओं का गुणगान करते रह गए, अपनी मर्यादाओं का गुणगान करते रह गए, देश हित में देश का नुकसान करते रह गए। वाह, कोई उसको प्रेम की चादर उढ़ा कर ले गया, कोई उसको प्रेम की चादर उड़ा कर ले गया, और हम संबंध का सम्मान करते रहे। हाय हाय, वाह वाह वाह, बड़ी ना, बहुत शुक्रिया। और कुछ करना तो मुमकिन था नहीं सो रात भर,
अच्छा, और कुछ करना तो मुमकिन था कुछ नहीं। करना तो मुमकिन था नहीं, सो रात भर उस निगाहे नाज को हैरान करते रह गए। हाय वाह वाह, तेरे संसार से तंग आ गए हैं। तेरे संसार से तंग आ गए हैं हम, इस आभार से तंग आ गए हैं। हमें अब चाहिए थोड़ी सी घृणा, निरंतर प्यार से तंग आ गए हैं। हाय हाय वाह वाह। और गाली को प्रणाम समझना पड़ता है। अच्छा, गाली को प्रणाम समझना पड़ता है। मधुशाला को धाम समझना पड़ता है। आधुनिक कहलाने की अंधी जिद में रावण को भी राम समझना पड़ता वा, है। वाह वाह वाह। और ये सुने के इतना संगीन पाप कौन करे, इतना संगीन पाप कौन करे, इतना संगीन पाप कौन करे, मेरे दुख पर विलाप कौन करे, चेतना मर चुकी है लोगों की, पाप पर पश्चाताप कौन करे। वाह वाह। चंचल और समाप्त कर लें कि मेरी आंखों से मेरा प्रेम वर्णित हो न जाए, मेरी आंखों से मेरा प्रेम वर्णित हो न जाए, मेरी आंखों से मेरा प्रेम वर्णित हो न जाए, तुम्हारे नाम से ये दास चर्चित हो न जाए। हाय 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 हाय, तुम्हारे नाम से दास चर्चित हो न जाए। उसे अच्छा नहीं लगता धुएं में सांस लेना, उसे अच्छा नहीं लगता धुएं में सांस लेना, हमारे वास्ते सिगरेट भी वर्जित हो न जाए। हाय हाय, क्या बात है। हम उस देवी से मिलते हैं तो अक्सर सोचते हैं, हम उस देवी से मिलते हैं तो अक्सर सोचते हैं किसी पापी को ये प्रसाद वितरित हो न जाए। हाय हाय, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। वाह। वो इस वीकेंड तक बाइक चलाना सीख लेगी। अच्छा, ये मिश्रा है भाई। वाह। वो इस वीकेंड तक बाइक चलाना सीख लेगी। वो इस वीकेंड तक बाइक चलाना सीख लेगी, मुझे ये डर के यातायात बाधित हो न जाए। वाह। और क्या बात, परिंदों को शजर अच्छा लगा है। परिंदों को शजर अच्छा लगा है, बहुत दिन बाद घर अच्छा लगा है। वाह। तुझे मिलने की ख्वाहिश तो नहीं थी, तुझे मिलने की ख्वाहिश तो नहीं थी, तेरा मिलना मगर अच्छा लगा है। वाह। और गले में है तेरी बाहों का घेरा, गले में है तेरी बाहों का घेरा, गले में है तेरी बाहों का घेरा, ये बाइक का सफर अच्छा लगा है। आए हाय वाह। और तीन चार शेर के, वो एक पक्षी जो गुंजन कर रहा है, वो एक पक्षी जो गुंजन कर रहा है, वो एक पक्षी जो गुंजन कर रहा है, वो मुझ में प्रेम सृजन कर रहा है। नदी के शांत तट पर बैठकर मन, नदी के शांत तट पर बैठकर मन, तेरी यादें विसर्जन कर रहा है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। और बहुत दिन हो गए हैं तुमसे बिछड़े, बहुत दिन हो गए हैं तुमसे बिछड़े, तुम्हें मिलने को अब मन कर रहा है। हाय हाय, क्या बात है। वाह, बहुत बढ़िया आदर, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, क्या बात है। वाह 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 वाह। बहुत दिन हो गए हैं तुमसे बिछड़े, तुम्हें मिलने को अब मन कर रहा है। दोस्त के घर गया तो पूछा कहाँ है,
अंकल बोले आ रहा है, अभिमंजन कर रहा है। भाई काफिए तो कुछ भी हो सकते है ना। वो क्या था, कहीं यातायात बाधित हो ना जाए, वो उसका उस गजल का मतलब क्या था? विनोद जी गुस्से में दिया आपने माइक। मेरी आंखों से मेरा प्रेम वर्णित हो ना जाए, हाँ तुम्हारे नाम से ये दास चर्चित हो ना जाए। मैं तेरे प्यार में ठोकरें खाता रहा, पता नहीं कब ये दास जीजा घोषित हो ना जाए। तो आदमी चाहता है कि जीजा घोषित हो जाए वो जल्दी से जल्दी। आदमी के मन में हमेशा ये रहता है लड़के के, कि लड़की फंसे ना फंसे, पटे ना पटे, बस लड़की की सहेलियां उसे देख के एक बार कहते देख जीजू आ रहे हैं, मर गया बेचारा। क्या बढ़िया काम किया है इन लोगों ने। अब वो शिखा श्रीवास्तव जी बैठी हुई इंतजार कर रही हैं कि इन दोनों मर्दों को मैं बताती हूँ कि महिलाएं कितनी आगे हैं, नारी शक्ति कितनी जबरदस्त है। ये लोग हंसी की बात करते होंगे, मैं मोहब्बत की बात करती हूँ। तो आइए फिर शिखा श्रीवास्तव जी वास्तव में चली आइए। जोरदार तालियां शिखा श्रीवास्तव। आपने अभी जो इन लोगों की परफॉर्मेंस देखी उसमें एक्टिंग ज़्यादा थी, और मैं जो यहाँ कहूँगी उसमें सिर्फ मोहब्बत होगी और सिर्फ मोहब्बत। अरे औरतें मोहब्बत में कितनी एक्टिंग करती हैं हमसे पूछिए। सर देखिए कि औरतें कहाँ कहाँ मोहब्बत ढूंढ लेती हैं, कहाँ कहाँ मोहब्बत पहन लेती हैं, कहाँ कहाँ मोहब्बत को सजा लेती हैं। वाह। कभी काजल कभी पायल कभी कंगन बना लूंगी, ये कभी काजल कभी पायल कभी कंगन बना लूंगी, कभी काजल कभी पायल कभी कंगन बना लूंगी, तेरी आंखों में देखूंगी तुझे दर्पण बना लूंगी, तेरी आंखों में देखूंगी तुझे दर्पण बना लूंगी, लुटा कर चैन सुख आंखों की नींद धड़कने दिल की, लुटा कर चैन सुख आंखों की नींद धड़कने दिल की, तेरी चाहत में खुद को इस कदर जोगन, हाय हाय जोगन बना लूंगी, चाहत में खुद को इस कदर जोगन बना लूंगी, कोई भी काम दुनिया में नहीं मुश्किल है यारों, कोई भी काम दुनिया में नहीं मुश्किल है यारों, कोई भी काम दुनिया में नहीं मुश्किल है यारों, मैं पूरा करके मानूंगी जो अपना मन बना लूंगी। वाह वाह। SMS के काम आएगा। शिखा मैंने सुना ये था सुकून मिलता है दुनिया का, शिखा मैंने सुना ये था सुकून मिलता है दुनिया का, शिखा मैंने सुना ये था सुकून मिलता है दुनिया का, खबर क्या थी कि चाहत को मैं एक उलझन बना लूं, शर्मो हया कैसी, शिखा खुद गर्ज दुनिया से भला शर्मो हया कैसी, शिखा खुद गर्ज दुनिया से भला शर्मो हया कैसी, मैं अपना सोलवा सावन तुम्हारे नाम श्याम
बहुत बढ़िया, ये क्लैरिटी चाहिए नायिका में, बहुत अच्छा। ये तुम्हारे गजल की जो नायिका है बहुत क्लियर है, खुद को गुलबदन तुम्हें गुलफाम लिखती हूँ, बहुत क्लियर, लबों को जाम लिखती हूँ। और सबसे क्लियर बात जो मुझे लगी, मैं अपना 16वां सावन तुम्हारे नाम लिखती हूँ क्योंकि 17वें पे कोई और आ जाएगा। इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए। हिंदी साहित्य में उन्होंने स्नातकोत्तर किया है, यानी कि उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, और अब वो शोध कर रही हैं, यानी कि पीएचडी कर रही हैं। लखनऊ में रहती हैं और बहुत खूबसूरत कहती हैं। पूनम मिश्रा, जोरदार तालियों के साथ। माँ वीणा पाणी को प्रणाम करती हूँ, सुपरस्टार आदरणीय शैलेश लोढ़ा सर को प्रणाम करती हूँ, और आप सभी दर्शकों को प्रणाम करती हूँ। प्रेम की नादानी देखिएगा सर, कि एक लड़की जो कि प्रेम में है और वो अपने प्रेमी को हर जगह ढूंढती है, पर जहां ढूंढना चाहिए वहां नहीं ढूंढती। मतलब ठेके पे? नहीं सर। पलक के चांद तारों में, सितारों में तुम्हें ढूंढा। हाय हाय, क्या बात। पलक के चांद तारों में, सितारों में तुम्हें ढूंढा, जमी से आबशारों में, नजारों में तुम्हें ढूंढा, मेरे दिल में नहीं हो तो कहीं भी तुम नहीं जाना, मेरे दिल में नहीं हो तो कहीं भी तुम नहीं जाना, मगर मैंने हमेशा ही बहारों सकती। सुनिएगा, धरा हूं मैं मगर चाहूं तो अंबर बन भी सकती हूं, धरा हूं मैं मगर चाहूं तो अंबर बन भी सकती हूं, मैं एक छोटी नदी हूं पर समंदर बन भी सकती हूं, मेरी हर एक दुआओं में तेरा ही जिक्र है शामिल, मेरी हर एक दुआओं में तेरा ही जिक्र है शामिल, तेरे बिगड़े नसीबों का मुकद्दर बन भी सकती हूँ, तेरे बिगड़े नसीबों का मुकद्दर बन भी सकती हूँ। बहुत बहुत आभार आप सभी का। रात भर दो नयन झिलमिलाते रहे। क्या बात है, प्रेम में कितनी अनकही बातें हैं, सुनिएगा। रात भर दो नयन झिलमिलाते रहे, प्रीत की वेदना को सुनाते रहे, बात हमने न की हम रहे मौन पर, बात हमने न की हम रहे मौन पर, गीत को दो अधर गुनगुना, गुनगुनाते
कब तक सुनाती हूँ सर। हाँ, और देखिएगा कि एक लड़की प्रेम में क्या क्या समर्पित कर सकती है, क्या क्या सौंप सकती है अपने प्रेमी को। सुनिएगा। तुमने हमको कांटे सौंपे, हमने तुमको गुल सौंपा। तुमने हमको कांटे सौंपे, हमने तुमको गुल सौंपा था। अपने मन की मधुर तालियां, यूं कह लो बुलबुल सौंपा था। लेकिन तुम आभासी जग में प्रेम हमारा समझ न पा। क्या बात है, वाह वाह। और लड़के तो बेचारे कुछ सौंपते ही नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है यार। इनका त्याग भी देखो। तुमने अपना कुल सौंपा था, हमने अपना मन सौंपा। क्या बात है। तुमने अपना कुल सौंपा था, हमने अपना मन सौंपा था। तुमने अपने दिन सौंपे थे, हमने ये जीवन सौंपा था। तुमने अपने दिन सौंपे थे, हमने ये जीवन सौंपा था। और सौंपता क्या मैं तुमको, कुछ नहीं है मेरे पास। मैंने सब कुछ सौंप दिया है, तन मन और सब धन सौंप। कुछ भी लिखना बहुत बड़ी बात है, तो ये सुपरस्टार ही कर सकते हैं। चलिए, बीच में जो व्यक्ति बैठा है, अब मैं उसका परिचय क्या दूं। उसका परिचय जो है, उसके अपने गीत है, मोहब्बत की शायरी है। अपने बारे में जरा चार पंक्तियां कहें जो आप ये मोहब्बत की शायरी करते हैं, डॉक्टर विष्णु सक्सेना। शैलेश भाई, जैसे अभी इन्होंने कहा कि मेरे जुल्फों के चक्कर में लड़के पड़ जाते हैं, लड़के पीछे पड़ जाते हैं। पीछे पड़ जाते हैं, मैं भी ऐसी धोखा खा गया था एक बार। अच्छा। फिर मैंने एक मुक्तक लिखा। जी, तेरी जुल्फ में कसम से बादल छिपे हुए हैं। हाय हाय। मुझ जैसे जाने कितने पागल पागल छिपे हुए हैं। क्यों जुल्म ढा गई हो यूं छेड़ कर तराना, क्यों जुल्म ढा गए हो यूं छेड़ कर तराना। इस भीड़ में बहुत से घायल छिपे हुए हैं। तो हो जाता है धोखा कभी कभी। जो उम्र में है कच्चे ओ, वो छिपे हुए हैं। जो इश्क में है सच्चे वो छिपे हुए हैं। न पागल न घायल न दीवाने, कुछ जू और उनके बच्चे वो फंसे हुए हैं। वाह। मुझे याद है, हवुक्ता का एक किस्सा मैं सुनाता हूँ। बहुत बरस पहले की बात है, और जोधपुर शहर था, एक कवि सम्मेलन इसका मैं संचालन कर रहा था। लगभग उस बात को शायद 25 साल हो गए होंगे, और
उस जमाने में रुपए की कीमत हुआ करती थी। 25-30 हजार, 40 हजार लोग थे उस मैदान में जहां कवि सम्मेलन था। और एक कवि आता है और एक कवि आके पहले अपने गीत की दो पंक्तियां पढ़ता है। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं, तुमने पत्थर का दिल हमको कह तो दिया, पत्थरों पर लिखोगे मिटेगा नहीं। और जैसे ये दो पंक्तियां पढ़ी एक व्यक्ति खड़ा हुआ और मंच पे 11,000 रुपए लेके आया कि मैं आपको और कुछ नहीं दे सकता, मेरी तरफ से भेंट स्वीकार कर लीजिए। ये भावुकता का अद्भुत क्षण था, मैं उसका साक्षी हूँ। और जिस कवि ने अपना गीत पढ़ा था उसका नाम होता है डॉक्टर विष्णु सक्सेना। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए डॉक्टर विष्णु सक्सेना। दिल की जमी पर जब फसल यादों की बोगे, जिससे जितना प्यार करोगे उतना रोगे। दिल की जमी पर जब फसल यादों की बोगे, जिससे जितना प्यार करोगे उतना रोगे। दिल की जमी पर जब फसल यादों की बोगे, टूटने का डाली से पूछो क्या बात, पतझर आने की पीड़ा तुम हरियाली से पूछो, एक कली खिलने से पहले कोई तोड़ ले जाए। क्यों गुम सुम सा हो जाता है उस माली से पूछो, पा जाओगे सब कुछ खुद को जितना खो। फसल यादों की बोगे, जिससे जितना प्यार करोगे उतना रोगे। दिल की जमी पर जब फसल यादों की बोगे। नदिया जब से गई छोड़कर सूने हुए किनारे, रूठ गए हैं स्वर जिस दिन से टूट गए एक तारे। जब तक नील गगन में रहते चमक नहीं खोते हैं, जाने कहाँ चले जाते हैं टूटे हुए सितारे। नौजवान दोस्तों, जीवन में कभी नाउम्मीद मत होना, हमेशा पॉजिटिव रहना। सपने अपने हो जाएंगे, सपने अपने हो जाएंगे जब भी सोगे। दिल की जमी पर जब फसल यादों की बोगे, जिससे जितना प्यार करोगे उतना रोगे। दिल की जमी पर जब फसल यादों की बोगे, फसल यादों की बोगे, फसल यादों की बोगे। क्या बात है, वाह 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 डॉक्टर विष्णु सक्सेना, क्या बात है, बहुत बढ़िया। जब भी जितना प्यार करोगे, जिससे जितना प्यार करोगे उतना रोगे, फिर भी दिल है कि मानता नहीं। भले आंसू निकले लेकिन आदमी मोहब्बत तो करता है, और मोहब्बत करनी भी चाहिए, क्यों ना की जाए। दुनिया में मोहब्बत से बढ़कर कोई चीज नहीं होती।